हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी, घर पर झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली आम की मिठाई। आप देख सकते हैं, इसे देखकर कोई कह नहीं सकता है हमने घर पे बनाकर तैयार किया है, और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूँगी 1 1/4 कप पनीर। ये हाथ से मैंने क्रम्बल करके बना लिया था, इसे इस तरीके से तोड़ लिया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप घर पे ही बना हुआ पनीर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो ये मैंने 1/4 कप पनीर डाल दिया है। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे कटे हुए पके हुए आम, 3/4 कप है यहाँ पर। तो ये मैंने आम डाल दिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। यहाँ पे पके हुए आम को मैंने मिक्सर में पीस कर इसे तैयार कर लिया है। तो ये 1/2 कप मैंगो प्यूरी है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 2 टेबलस्पून चीनी इस मिठाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है। साथ में हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, जो इस मिठाई को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो मिल्क पाउडर हम डाल देंगे इसमें 3 टेबलस्पून। तो ये मैंने मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो बस आप देख सकते हैं, मैंने किसी भी फैंसी सामान का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बिल्कुल घर पर आसानी से मिल जाने वाला सामान है, और आप घर पे रखे हुए सामान के साथ इस मिठाई को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस सारे सामान को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम इसे गैस पर रख कर पकाएंगे। तो गैस हमने मीडियम आंच पे कर दी है। अब इसे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए हमें पकाना है, और हमें इसे इस तरीके से चलाते हुए ही पकाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आम के टुकड़े डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं जब ताकि जब हम इसे बाइट में खाएं तो वो आम का हल्का सा क्रंच आता है, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ प्योरी के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ी ही देर में हमारा मिक्सचर ये फर्म होना शुरू हो चुका है। इस तरीके से जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है हमारा ये मिक्सचर अच्छे से पक चुका है, थिक हो चुका है। हम आँच को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में फैला कर ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी ठंडा कर सकते हैं, पर मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा और फर्म हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये अच्छे से फर्म हो चुका है, और अभी भी इसमें आम के छोटे छोटे वो बाइट्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, टुकड़े दिख रहे हैं, जो इसे देखने में और भी सुंदर बनाते हैं, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो ये हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे एक तरफ रखते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी के बॉल्स भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, है ना बहुत ही आसान सी मिठाई। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर टैग करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर ले। और ऐसी ही ढेरों मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो रेसिपी पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में हमने सारे बॉल्स को यहाँ पे पिस्ते के साथ सजाया है। आप चाहें तो यहाँ पे रोज़ पेटल्स के साथ भी इसे, या फिर अपने मनचाहे नट्स के साथ इसे सजा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये मिठाई तैयार हो जाती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।